राज्यसभा सदस्य आणि आता महाराष्ट्र निवडणूक प्रभारी आहे आणि ते आता तुमची होत असते. नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश शर्मा हूं, महाराष्ट्र बीजेपी का चुनाव प्रभारी हूं और उप मुख्यमंत्री था, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था और सदस्यता महाअभियान का प्रभारी लखनऊ का महापौर 11 साल तक. और इस चुनाव में विगत कई दिनों से लगातार प्रवास करते हुए आज ये 24वां लोकसभा क्षेत्र है जहां संगठनात्मक मजबूती के लिए प्रमुख लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ आज कई चक्र की बैठकें हुई हैं, कोर ग्रुप के साथ, उसके बाद संचालन समिति जो चुनाव की होगी उसके साथ, कार्यों का वितरण और अभी विभिन्न महायुति के भी तमाम लोगों से संपर्क हुआ है और अभी अन्य भाषा भाषी जो हैं पर प्रांती उनके साथ भी एक सम्मेलन यहीं पर होना निश्चित हुआ है. विगत कई दिनों से पूरे महाराष्ट्र में जो दौरा करने का, प्रवास करने का मुझे सौभाग्य मिला है, मैं कह सकता हूं कि एक पक्षीय वातावरण एनडीए के पक्ष में पूरे महाराष्ट्र में दिखाई पड़ रहा है. और माननीय प्रधानमंत्री जी जहां जहां जा रहे हैं, अभी तो केवल दो जगह गए हैं, और जितनी व्यवस्था पार्टी संगठन ने कराई थी उसे कई गुना ज़्यादा भीड़ उनके कार्यक्रमों में आई है. कल मैं अमरावती था और ऐसे ही पुणे से लेकर कल्याण, भिवंडी से लेकर भंडारा और गोंदिया, नागपुर, चंदपुर, तमाम जगहों से होता हुआ, मुंबई की कई जगहों से होता हुआ आज मुझे पालघर आने का अवसर मिला है. आज का वो दिन 4 वर्ष पहले बड़ा दुखद दिन था जब उद्धव जी की मुख्यमंत्रित्व काल में जो उन्होंने कांग्रेस की राम विरोधी और अम्बेडकर जी के विरोधी विचार वाली कांग्रेस के साथ जब सरकार उद्धव जी ने बनाई थी, तो आज से 4 साल पहले इसी पालघर में एक बड़ी दुखद घटना घटी थी. और वो दुखद घटना थी कि दो साधुओं और एक उनके साथ में एक व्यक्ति की पीट पीट कर एक नृशंस हत्या कर देना. और ये जूना अखाड़े के जो साधु थे, मैं समझता हूँ कि उन साधुओं के बारे में कह सकते हैं कि ये जो दो साधु थे उन साधुओं में कल्प रुक्षागिरी जी महाराज और सुशील गिरी जी महाराज, इन दो की हत्या हुई थी और नीलेश तेलगाड़े, ये उनके ड्राइवर की भी हत्या कर दी गई थी. यानी उद्धव जी की सरकार में न केवल राम मंदिर के निर्माण के समय उत्सव मनाने पर महाराष्ट्र में प्रतिबंध लगा दिया गया था कि उधर शिलान्यास अयोध्या में हो रहा था और इधर महाराष्ट्र में उत्सव मनाने वालों के ऊपर पुलिस का कहर बरपा जा रहा था, यहाँ तक हनुमान चालीसा पढ़ने पर भी लोगों को जेल भेज दिया गया था. आज भारतीय जनता पार्टी की हमारी कोर ग्रुप और चुनाव संचालन समिति ने पालघर के जो दोनों साधुओं की नृशंस हत्या की गई थी
उनकी स्मृति में 2 मिनट खड़े होकर मौन धारण किया है और सभी ने संकल्प किया है कि उद्धव जी की सरकार को असली दंड जो है महाअघाड़ी को, उनको चुनाव में बुरी तरह पराजित करके ही दिया जा सकता है। इसके लिए कार्यकर्ताओं ने आज अपनी कमर कसी है और मैं समझता हूं कि पालघर एक ऐसा क्षेत्र रहा है जिसमें हमने पहले भी अपने मित्र पक्ष को जिताया है। हमारे समर्थित, हमारी पार्टी के भी लोग विधानसभाओं में पहुंचे हैं। हम जल्दी ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी करते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो मित्र पक्ष हैं, गठबंधन है, हमने पार्टियों का गठबंधन नहीं किया है, हमने नीतियों का गठबंधन किया है। हमने सीट शेयरिंग नहीं की है, हमने आइडियोलॉजी की शेयरिंग की है। हमने एक प्रकार की अपने नीति, नियत और नेतृत्व के आधार पर अपना चुनावी गठजोड़ को तैयार किया है। विपक्ष बटा हुआ है, अलग अलग नीतियों के कारण एक दूसरे के विरोध में जुटा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एकजुट से एक ही नारा है उसका कि हमारा प्रत्याशी कौन, तो एक ही सबको उत्तर मिलता है पूरे भारतवर्ष में, चाहे वो बीजेपी चुनाव लड़ रही हो और चाहे मित्र पक्ष चुनाव लड़ रहे हो। आप कार्यकर्ताओं से पूछिएगा कि हमारा प्रत्याशी कौन, तो खड़े होकर एक ही आवाज में आएंगे, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। और निश्चित रूप में आज नरेंद्र मोदी जी के बारे में चाहे गांव हो चाहे शहर हो, वैसे तो लोग ये कहने लगे हैं कि जो दो बातें ना जाना भूल, नरेंद्र मोदी कमल का फूल या राम का मंदिर कमल का फूल, ये एक आम जन की भाषा हो चुकी है। हमारा संकल्प पत्र में जहां हमने छोटे व्यापारियों को बढ़ावा दिया है, उनकी वर्किंग कैपिटल का इंतजाम किया है, वहीं निवेश के द्वार भी खोले हैं और उसे नौजवानों को लाखों ने करोड़ों की मात्रा में नौकरी मिल सके इसका इंतजाम किया है। नियमों का सरलीकरण हो और गरीब की थाली मजबूत हो, यानी गरीब की थाली मजबूत का सीधे से मतलब है कि हम फल को भी, सब्जी को भी, राशन को भी नियंत्रित करके मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग की जो आवश्यक आवश्यकताएं हैं उनका पूरा ध्यान रखेंगे, ये हमने संकल्प पत्र में कहा है। भारत को हम एक हेल्थ सेक्टर के लिए एक भारत हब बन सके इसकी तरफ तेजी से चले हैं। आज आप देखिए कि कितने एम्स बन गए, कितने मेडिकल कॉलेज पूरे देश में बन गए। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हमने काम किया है कि हवाई अड्डे भी बड़े हैं तो रेलवे स्टेशनों का भी उद्धार हुआ है। वंदे भारत ट्रेन चली है तो साधारण ट्रेनों को भी निकालने के साथ साथ हमने बुलेट ट्रेन पर भी काम शुरू कर दिया है। आज मजदूरी की समय पर समीक्षा हो और MSP पर हर तरीके से उसके परीक्षण जारी रहे, समय पर अनुसार हम MSP को देते रहें। उज्ज्वला योजना जारी रहेगी और एक वरदान साबित हुआ है संकल्प पत्र में कि सभी 70 वर्ष के जो हमारे नागरिक हैं, उन सभी 70 वर्ष के नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा। उज्ज्वला योजना और श्री अन्न योजना पूर्ववत चलती रहेगी, 5 वर्षों तक उसके लिए धन का भी आवंटन पहले ही कर दिया गया है। यानी हम संकल्प ले रहे हैं और विपक्ष धपोर संखी घोषणाएं कर रहा है जो वो पूरा नहीं कर सकता, उनकी नीति भी और उनकी नियत में भी मैं समझता हूं कि खोट है। इसलिए आज पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी, पूरे जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, पूरे भारतवर्ष की सभी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र का कार्यकर्ता पूरी 48 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। चुनाव चिन्ह कहीं बीजेपी का है तो कहीं मित्र पक्ष का है
और मैं कह सकता हूं कि जो कैडर बेस्ड पार्टी का कार्यकर्ता है निश्चित रूप में एक बड़ी महाविजय की तरफ एक लक्ष्य मान के ये चुनाव जनता चुनाव लड़ रही है, पॉलिटिकल पार्टी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, और इस चुनाव का नेतृत्व जनता ने अपने हाथ में लिया है। निश्चित रूप में बहुत से ऐसे लोग भी जिनकी आइडियोलॉजी अलग रही होगी, जिनके परंपरागत मत कहीं और पड़ रहे होंगे, वो आप देखेंगे कि वो भारी संख्या में बीजेपी की तरफ आएंगे। अभी अब मैं बैठे ही था, अभी तो कुछ लोग आए थे, ईसाई समुदाय के थे, और उन्होंने बड़ी अच्छी गणेश जी पर पुस्तक लिखी है, और न केवल पुस्तक लिखी बल्कि अपना समर्थन भी उन्होंने कहा कि हम भले ही ईसाई धर्म में हैं लेकिन हम आपके साथ हैं। ऐसे कई जगह पर मुस्लिम का समर्थन भी हमें बड़े अच्छे मात्रा में प्राप्त हुआ है। मैं कह सकता हूँ कि महाराष्ट्र की स्वार्थ परक राजनीति का अंत निश्चित है। अंबेडकर जी को दो दो बार हराने वाली चुनावों में कांग्रेस पार्टी, जिसने श्री राम को काल्पनिक बताया था, राम जन्म भूमि का मंदिर का राम जन्म का स्थान नहीं है का वक्तव्य दिया था, यानी राम श्री राम की विरोधी और अंबेडकर जी की विरोधी जो पार्टी है। मोदी जी ने पंचतीर्थ बना के अंबेडकर जी को सम्मान दिया, कांग्रेस ने दो बार चुनाव हराकर उनका अपमान किया, यानी अपमान करने वाले अंबेडकर जी के साथ, अंबेडकर जी की पार्टी का अपमान, अंबेडकर जी का अपमान करने वाली कांग्रेस पार्टी का साथ उद्धव जी ने उस समय लिया जब वो श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भी अपमान कर रहे थे, राम जन्म स्थान का भी अपमान कर रहे थे, राम जी को काल्पनिक बता रहे थे। ऐसे में उद्धव जी ने बाला साहब ठाकरे जी के उन वक्तव्यों को भुला दिया जब वो कहते थे कि कांग्रेसियों की तरह फूटी आंख से भी देखना नहीं चाहिए, इनके ये सुहाते हैं हमको, और इन कांग्रेसियों ने इस देश का बेड़ा गर्क किया है। और आज उन्हीं बाला साहब के परंपरा में उनके खानदान के कोई व्यक्ति ऐसा विरोधाभास लोगों के साथ में गठबंधन करे और जनता के जनादेश का अपमान करके वो स्वार्थ के लिए एनसीपी शरद पवार और कांग्रेस के साथ गठबंधन करे, तो निश्चित रूप में जनता इस बार महाअघाड़ी पक्ष को दंड देने के मूड में है। और मैं समझता हूँ कि चुनाव के बाद आदरणीय शरद पवार जी, उद्धव जी और सोनिया जी को अपना पारिवारिक सुख प्राप्त होगा, जो अपने परिवार के बच्चों के लिए परेशान हैं, ते अपने परिवार में रहने का इनको अवसर मिलेगा, राजनीति में रहने का अवसर नहीं मिलेगा। उद्धव जी ने पुत्र के लिए कांग्रेस से समझौता नहीं किया है, अपना हिंदुत्व और सनातन का जो चेहरा था, जो चोला था, उसको भी उन्होंने उतार कर फेंक दिया है। शरद पवार जी राजनीति के उस दौर पे हैं जहाँ हार के बाद 4 जून को निश्चित रूप में वो राजनीतिक रूप में समाप्त प्राय उद्धव जी के साथ और सोनिया जी के साथ उनकी पार्टी भी होगी। मैं यही कह सकता हूँ कि इस सघन प्रवास में मुझे कार्यकर्ताओं का जो जोश दिखाई पड़ा है वो निश्चित रूप में अभूतपूर्व है, और आप ये देखेंगे कि महाराष्ट्र एक नया इतिहास रचने जा रहा है, और हमारा कार्यकर्ता लोकसभा के साथ साथ अपने मित्र पक्ष यानी एनडीए के साथ अपने भविष्य के चुनाव के प्रति भी आश्वस्त भाव में काम कर रहा है। यही सब कुछ आपको कहना था, आपका कोई प्रश्न हो तो आपको देखा जाए तो अभी बीच में उद्धव जी की एक सभा हुई, आपने उद्धव ठाकरे जी का नाम लिया, उनका बीजेपी आरोप है कि उन्होंने हमारी शिवसेना को तोड़ा, हमारा चुनाव चिन्ह चुराया, उसके बाद हमारे पिताजी का नाम चुरा रहे हैं। अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी को कहा उन्होंने, संजय राउत ने, कि जो अगर हमारे साथ टकराएंगे तो उन्हें महाराष्ट्र में गाड़ दिया जाएगा। बीजेपी बोले बीजेपी इनकी भाषा यही है, और कौन गाड़ेगा और कौन खोदेगा ये व्यक्ति तय नहीं करेगा, जनता तय करेगी।
और मैं समझता हूं कि उन्होंने राजनीतिक रूप में पूज्य बाला साहब ठाकरे जी की आइडियोलॉजी को गाड़ दिया है। वो व्यक्ति को तो गाड़ने की बात करते हैं, और पहले ही उन्होंने आइडियोलॉजी को गाड़ दिया है और उन्होंने जनता की अपेक्षाओं को गाड़ दिया है। 19 में शिवसेना को बीजेपी के साथ एक पूर्ण बहुमत मिला था और जनता के उसका अपमान करके जनादेश का उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन किया है। ये मैं समझता हूँ उनका आत्मघाती निर्णय था। और अब उद्धव जी को अपने इस किए गए गलत निर्णय का दंड देने के मूड में पूरी तरह से जनता है। सर, आपने कहा उज्ज्वला योजना जारी रखी, आज देहातों में उज्ज्वला योजना पहले भी थी और भी आप जारी रखने वाले, देहातों में आज जो आठों से हमारी महिलाएं उज्ज्वला योजना का लाभ हुआ है वो आज वापस चूल्हे की तरफ पड़ेगी। देखिए, ये कल्पना की बातें आप कहीं भी कह सकते हैं, सत्यता ये है कि आज गैस अपने सबसे सस्ती दर में और आसानी से उपलब्ध है। त्योहारों पर गैस के सिलेंडर मुफ्त भी मिल जाते हैं और जो किसान सम्मान निधि भी दी जा रही है, तमाम प्रकार की वृद्धावस्था और पेंशन और उनको विधवा पेंशन और उनको तमाम प्रकार के पेंशन, कभी कभी 75 के इमरजेंसी में जो लोग हैं उसकी भी पेंशन, कई प्रकार की सब्सिडी, बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो उनको दी जा रही हैं, अन्न मुफ्त का दिया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये किसी भी अच्छी योजना के बारे में गलत आरोप है। आपका जवाब मिल गया, आप दूसरा प्रश्न। नहीं, देखिए, जनता का कोई भी अहित नहीं होने दिया जाएगा। बस एक चीज आप जान लीजिए, मोदी हैं तो केवल जनता का हित मुमकिन है। कहीं भी जरा से भी कोई परेशानी जनता के अगर आई तो सरकार जनता के पक्ष में खड़ी दिखाई देगी। नहीं, देखो, अभी कल ही संकल्प पत्र में आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा कि भोजन की थाली को भी हम सुनिश्चित करेंगे, तो उनके रेट भी ठीक करेंगे और उनके किसानों का MSP का भी हम परीक्षण करेंगे समय समय पर। तो उसमें नहीं, उसमें आप कह सकते हो, लेकिन कभी भी कोई दिक्कत किसानों को नहीं आई। 10 साल की सरकार में अगर आंकड़े उठा के देख लो तो ना के बराबर किसान की आत्महत्या है। और किसानों के हित के लिए न केवल यूरिया खाद का, न केवल जो कृषि के इक्विपमेंट थे उनको देने का, न केवल पानी और बिजली देने का, नहरों में पानी पहुंचाने का, और जो ट्रैक्टर से लेकर जो भी कृषि उपकरण थे उनको उपलब्ध कराने का, किसानों को सम्मान निधि और विभिन्न प्रकार की ऐसी योजनाएं चलाई कि गांवों में अब लिंक की रोड बनी है, गांवों को में इंटरनेट का कनेक्शन मोदी जी ने पहुंचाया है, शहर और गांव के बीच की दूरी को कम किया है। हर चीज एकदम से नहीं हुआ करती, निश्चित रूप से सरकार की नेक नियति के चलते गांव का विकास ये प्राथमिकता पर है। आपने अपने भाषण में अभी आपने कहा रोजगार का मुद्दा आपने निकाला, दूसरा था कि गरीबों की थाली मजबूत किया, पालघर जिले में ऐसा कोई चित्र आपने जो बताया ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा, ये आपका शासकीय परिपत्र है। इसमें हमारे यहाँ 72,282 लोगों ने रोजगार की मांग की, उनको अब 140 लोगों को रोजगार दिया गया है। अगर आप दूसरी एक सर बात है, रोजगार अभी योजना का 29 करोड़ रुपए जो लोग धूप में काम करते हैं यहाँ विक्रमगढ़ जवाहर मोखाड़ा के, उनका आपने अगर मेरी बात को ध्यान से सुना होता तो प्रश्न ही नहीं करते। मैंने कहा था कि मजदूरी की समय सीमा पर समीक्षा, ये संकल्प पत्र का हमारा एक अंग है। और दूसरा, रोजगार को अगर आप केवल नौकरी मानते हो तो ये आपकी भूल है। और भूल इसलिए मैं कह रहा हूँ, मुद्रा लोन दिया, कितने लोगों ने अपना उसके फैक्ट्री खोला होगा। हमने केवल मछली पकड़ना नहीं सिखाया, हमने मछली खाना नहीं सिखाया है, मछली पकड़ के रोजगार को भी करना सिखाया है। कौशल विकास का जो कितना बड़ा काम भारत सरकार ने किया है कि व्यक्ति योग्य बने पहले,
योग बनके वो रोजगार स्वतः से सज्जित करेगा। हमने सारी केंद्रीय योजनाओं को, चाहे स्टार्टअप हो, चाहे स्टैंडअप इंडिया हो, चाहे मेक इन इंडिया हो, चाहे आपका डिजिटल इंडिया हो, आप क्या समझते हो डिजिटल इंडिया से आपका रोजगार सज्जित नहीं हो रहा है? क्या आप समझ रहे हो जो सड़कें चौड़ी चौड़ी बन रही हैं इससे अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार नहीं सृजन हो रहा है? हर जगह का इंटरकनेक्शन है। मंदिर बनाने से भी रोजगार सृजित हो रहा है। आप क्या है, पहले तो भारत में मंदिर एक आय का साधन थे, लोगों के स्कूल की व्यवस्था, अस्पताल की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था उसको जोड़ते थे। सरकार का हर कार्य रोजगार से जुड़ा हुआ इंटरलिंक्ड है। इसलिए अब आप इंटर कर, जो आपने डिजिटल इंडिया देखा है, डिजिटल इंडिया से अप्रत्यक्ष में आज हाथ में मोबाइल लेकर आप चल रहे हो, कितने प्रकार का आपको रोजगार इससे मिला है आपने कल्पना कभी देखा ही नहीं है। आज टीवी के एंकर के लिए भी आप मोबाइल लेकर चले जा रहे हो। आज आप कोई भी चीज़ को आप रिकॉर्ड कर सकते हो, कोई भी चीज़ को आप संदेश, आप SMS से पैसे को एक से दूसरी तरफ भेज सकते हो। ये चीज़ें क्या मोदी सरकार के आने के पहले थी क्या? इसको आप सोचे नहीं है। आप सोचोगे 10 साल को, तो 10 साल में आपको कितना रोजगार और कितना चीज दिखेगा। आज 100 मोबाइल पूरे भारत आज उसमें बनते हैं विश्व में, तो 65 मोबाइल हिंदुस्तान में बन रहे हैं। कभी आपने सोचा था? आज एशिया में डाटा सेंटर केवल है तो केवल हिंदुस्तान में है। आज हम सड़क नीचे, सड़क के ऊपर पुल, पुल के ऊपर मेट्रो, हम केवल हिंदुस्तान में बना रहे हैं। क्या ये विकसित राष्ट्र में केवल था? कभी हम यहाँ पर है, आपने कल्पना करी थी क्या? मैं समझ यहाँ घंटे दो घंटे लाइट आती थी तो वो समाचार बनता था। आज 18 घंटे और 22 घंटे के आसपास भी गाँव में पहुँच जाती है बिजली, हम उसकी चर्चा ही नहीं करते। नहरों में पानी पहुंच रहा, हम चर्चा ही नहीं। पालघर में, पालघर की बात कीजिए, जैसा हितेन जी ने कहा, मैं ऑल इंडिया, पहले आपको क्लियर कर दूं, मैं राज्यसभा का सदस्य हूं। ऑल इंडिया आपका जो बीजेपी के इलेक्शन के चुनाव लड़ाने की जो कमेटी है, विस्तारक योजना, उसका मैं कन्वीनर हूं। मैं केवल अकेले पालघर की बात तो करूंगा, लेकिन अकेले उसी की करूं ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आप एक सेकंड में क्लियर कर दूं। पालघर के बारे में जो चीज़ें होंगी वो आप बेहतर जानते होंगे। अगर आप मुझसे क्वेश्चन करें तो मुझे पहले इसको पहले बात करना होगा। मैं आया हूँ संगठन की बैठक करने के लिए, तो आपको क्वेश्चन किससे पूछना उसको देख के उसी आपको, अगर वो समाज पूछना होगा तो इनकी प्रश्न को आपको ज्वाइन करना होगा। मैंने पालघर के बारे में जो कहना था वो मैंने कह दिया। मनरेगा का जो पेमेंट है किसान मजदूरों का, 3 महीने से काम किया है और 30 करोड़ से ज्यादा उनका पेमेंट, 1 रुपए किसी का पैसा बीजेपी सरकार में नहीं मरने वाला, 1 रुपए। सर एक आपने बताया कि यहाँ कोई भी मित्र पक्ष का लड़े या भाजपा का लड़े मोदी जी के लिए चुनाव लड़ेगा, क्या आपको सुनाई सुनने में आया है यहाँ पालघर में आने के बाद कि अगर दावित रहता है तो भाजपा मदद नहीं करेगा? ऐसा बीजेपी के कार्यकर्ता के बारे में आप जानते ही नहीं है। बीजेपी का कार्यकर्ता, आप बीजेपी के कार्यकर्ता को ये मान लीजिए, आपने जाना है क्या? आपको यहाँ मैंने एक ही चीज, मुझे एक ही चीज पता चला कि मोदी जी प्रत्याशी हैं और मोदी जी को चुनाव जिता के 400 पार करना है। जिला अध्यक्ष ने प्रेस किया और बताया कि अगर दावित, आप मुझे 400 लाख मोदी जी को लड़ा रहे हैं कि नहीं लड़ा रहे हैं? मेरे बगल में खड़े ऐसा हमारा जिला अध्यक्ष नहीं कह सकता। चलिए अब आप उनको मत लड़वाइए, सब लोग नहीं सुन, मेरा प्रश्न मुझसे बात करें, आप केवल मुझसे प्रश्न करेंगे, यहाँ किसी से नहीं। सर अभी आपने मोदी जी की बात की, लेकिन अगर पालघर जिले की हम बात करें, पालघर में कुपोषण का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, ऐसे तमाम मुद्दे कि जो बीजेपी के शासन में कम नहीं हुए। 2014 में यहाँ पे मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा था, सभा में कहा था कि ये पालघर का जन्म हुआ है, ये झूले में झूल रहा है, लेकिन आने वाले समय में इसको बड़ा करके और बलवान हमें बनाना है। लेकिन मुझे लगता है उस भाषण का असर पालघर में कहीं दिखाई नहीं। अब जैसा आप महसूस करोगे वैसा आपको दिखेगा। आपको अगर चौड़ी चौड़ी सड़कें नहीं दिख रही हैं तो इसमें मेरा कसूर नहीं है। अगर आपको आती हुई बिजली नहीं दिख रही है तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अगर गांव-गांव तक जाता आपको इंटरनेट कनेक्शन नहीं दिख रहा है, आपको यहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का उत्पादन नहीं दिख रहा है, आपको दाऊद इब्राहिम और छोटा सेठ और बड़ा सेठ ऐसे लोगों का अब यहाँ पर बमबारी नहीं होने की घटनाएँ नहीं दिख रही हैं,
तो मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता। सर, आपने सर जो एक सर जैसे आपने भी सड़क की बात कही, नेट की बात कहा, आपने सड़क की और नेट की बात करते हैं, लेकिन अगर मैं मानता हूँ यहाँ पे मजदूरी करते हैं, उनके पास जेब नहीं है, तो रोड पे चलने के लिए टैक्स भरना पड़ता है, टोल टैक्स लिया जाता है, नेट भरने के लिए पैसा लगता है। चलिए आप टोल टैक्स सड़क ये एक ये सड़क का कैसे यूज कर सकते हैं। महाराष्ट्र के कोकण क्षेत्र के पालघर, रत्नागिरी और ठाणे, देखिए संजय राउत जी बड़े एक अच्छे हास्य राजनीतिज्ञ हैं। हम लोग जब भी तनाव में होते हैं, कोरोना में जब तनाव में होते थे तो हम लोग कपिल शर्मा शो देखते थे, जिसे एंटरटेन हो जाता था। अब राजनीतिक रूप में कभी तनाव में होते हैं तो हम लोग संजय राउत का बयान पढ़ते हैं, उनमें हंसने के अलावा कुछ और नहीं होता। अब परिपक्व बयान के प्रणेता के रूप में संजय राउत जी हैं, उनके बयानों को कभी उनकी पार्टी गंभीरता से नहीं लेती, तो आप उनकी पार्टी उनके बयान पे क्यों पूछते हो, उनको कोई गंभीरता से नहीं लेता। हमारा हमारी आइडियोलॉजी शेयर हो गई है, और आप अभी कार्यकर्ता निकल के गया, किसी कार्यकर्ता से पूछ लीजिएगा, चुनाव की तैयारी किसी भी राजनीतिक दल से ज़्यादा बीजेपी की तैयारी चल रही है। एक 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 बीजेपी का कार्यकर्ता न कह, मैं आपको एक बात बताऊं, बीजेपी का अगर कोई बड़ा से बड़ा नेता भी घोषित प्रत्याशी के खिलाफ कहीं बोलता आपको दिखाई पड़ता तब भी कार्यकर्ता उसकी बात नहीं मानेगा। ये बीजेपी का कार्यकर्ता कैडर बेस पार्टी का कार्यकर्ता है, कोई दिनेश शर्मा भी आगे कह दें कि ये प्रत्याशी को हमको नहीं करना है तो दिनेश शर्मा की कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू केवल कार्यकर्ता की है, और कार्यकर्ता ऊपर के नेतृत्व का जो निर्णय होता है उसी को मानता है। शर्मा जी, महाराष्ट्र में अभी मराठा आरक्षण का जो मुद्दा है पूरे लोकसभा में गूंज रहा है, पालघर के पूर्व सांसद इन्होंने मराठा आरक्षण के खिलाफ भूमिका ली। नहीं नहीं देखो पालघर के, अब मैं इस सब चीज को पालघर सवाल तो पूरा करने दो, अगर आपको सवाल सुने भी ना जवाब देना तो हम निकल जाते थे। आपका एक ही लाइन का सवाल है, आपको ये बताया मराठा आरक्षण के ऊपर ना मोदी बोल रहे ना आपके लोकसभा में कोई बड़ी रैली में कोई बड़ा नेता बोल, ये आप समाज ने आप जाके एक मिनट सुनो तो सही, आप एक घंटा का प्रश्न करोगे तो जवाब थोड़ी देंगे हम, आप 60 में प्रश्न करो, 60 में बोलिए आप कि बीजेपी कोई आरक्षण के बारे में आप बुलवाना चाहते हो ना। नहीं, मेरा सवाल तो आप सुनो ना, गावित आपका जो प्रत्याशी होने वाला है, जो चर्चा है आप अभी जिस तरीके से बता रहे, उसने तो खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोला था। आप पत्रकार बन के प्रश्न करो, व्यक्ति बन के प्रश्न नहीं करो, आप प्रश्न हो तो वो एक लाइन में बता दो, आप पार्टी आपकी चुप्पी क्यों है। हाँ बस यही प्रश्न है ना, अब आप उत्तर तो सुनो, आप भाषण नहीं करो, प्रश्न का उत्तर सुनो। हाईकोर्ट में चैलेंज है, क्या है, पार्टी पार्टी ने जिस दिन से चुनाव की घोषणा हुई है सभी 48 सीटों पर चुनाव की तैयारी प्रारंभ कर दी है। अब उसके बाद सीट शेयरिंग के मामले में धीरे धीरे निर्णय आ रहे हैं, आज आपने देख लिया कि हमने वहाँ पे सतारा में अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है अभी, और जल्दी यहाँ भी प्रत्याशी हमारा घोषित हो जाएगा। और आपका आरक्षण के मामले में एक लाइन में जवाब दे देता हूँ, नहीं आपका भी जवाब दे देते हैं, एक मिनट आप, आरक्षण मराठा हमारा शान है, शिवाजी हमारे गौरव हैं, हमारा हृदय की धमनी केंद्र की तरीके से आज मराठा हमारे लिए है, और मराठा के आरक्षण को पहले किसी ने दिया ही नहीं था, बीजेपी ने भी सरकार में दिया है, अब उसके बारे में पक्ष और विपक्ष क्या है, अभी सरकार आने दीजिए, सरकार आने दीजिए, मराठा का भी क्या, सभी का जो जो हित हो सकता है बीजेपी करेगी। आपने शुरुआत में ये आपको पता है क्या, जो साधु मारे गए वो पहले मुंबई अहमदाबाद रोड पे जाके वो टोलना जैसे वापस आए, वो मुंबई अहमदाबाद रोड पे गुजरात बॉर्डर से उनको लौटा है, फिर उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश में जाके उधर से उनको लौटा गया, उसके बाद उनकी हत्या हुई, आपको पता है कि ये सब लौटाया गया कोरोना काल था। अब जो परिस्थिति हमको यही जो आज उनकी और है कि नहीं, और ये सब आपको बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता होंगी, मैं पूछूंगा हर चीज मुझे पता हो, बहुत कुछ
हर चीज मुझे पता हो, आप कैसे, मैं कंप्यूटर, मैं इतना कह सकता हूं कि आप अगर उनकी हत्या को आप सही ठहरा रहे हो तो ये आपका मतलब, मैं एक ही बिंदु पे हूं, आपको अगर वहां से वापस भी आए तो क्या हत्या करनी चाहिए? इस प्रश्न का आपको जवाब देने की जरूरत है। ऐसी घटना आपका जब राज था वहाँ मतलब घटी थी, लेकिन पुलिस ने उन सबको आदिवासी को वापस लाया और समझा के ये किया, ऐसे लोगों को पकड़ा था, ऐसे गांव में जो गए थे और उनको पकड़ाया तो वानगांव पुलिस स्टेशन ने उनको ये करके वापस जो गैर समझ में जो किया था उसको आप कर रहे हैं ऐसे इसको इश्यू बना रहे हैं, और आपके राज में जो गैर समझ गए तो पुलिस वापस लाए तो आप उसका कुछ नहीं पता। नहीं नहीं, अब आप कौन कौन सी घटना का जोड़ रहे हैं मैं नहीं जानता, मैं इतना जानता हूँ, मैं एक लाइन का ये जानता हूँ, पालघर की घटना का, पालघर की घटना का जो भी समर्थन करता है वो ना तो राज्य का भला कर रहा है, वो पत्रकार भी अगर कर रहा है तो उचित नहीं है। अगर मैं राजनीति में ही हूँ ना, मैं जो अगर किसी की हत्या की निंदा करना है तो आपके तरह मैं हत्या की निंदा करने के बाद प्रशंसा थोड़ी करूंगा। चलिए धन्यवाद, अब कोई और तो नहीं, उसके विरोध में विरोधी दल जो है बार बार कह रही है कि ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, क्या कहेंगे? हाँ, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा विरोधी दल ने ही किया है, 37% बीजेपी को मिला है और बाकी जो 63% है वो विरोधी पक्ष को मिला है, तो अगर भ्रष्टाचार है तो विरोधी पक्ष ने ज्यादा किया है। सर, एक कल से सोशल मीडिया पे पालघर प्रत्याशी के बारे में एक लेटर घूम रहा है, उसके बारे में क्या कार्रवाई हुई? नहीं, उसको प्रदेश कार्यालय भेजा गया है कि उसको पुलिस संज्ञान मिले, पुलिस संज्ञान मिलेगी, जिसने भी फर्जी निकाला होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। साधु हत्याकांड में एक साल में आपकी गवर्नमेंट है अभी, तो क्या तपास हुआ, कोई आरोपी? अब कोई जेल से बाहर निकल पाया क्या? जो लोग जेल में ही तो है ना, यही दंड हो सकता उनको? सबको नहीं। धन्यवाद आप सबका, बहुत धन्यवाद। सगळ्या पत्रकार बंधूंचे आभार मानून पत्रकार परिषद सभेला जाहीर करतो।